आपने अपनी दादी नानी को बोलते हुए सुना होगा कि उनके जमाने पे तो जो कपड़े होते थे उस पे गोल्ड की जरी की जाती थी, सिल्वर की जरी की जाती थी। उनके जमाने में जो स्वीट्स आती थी उस पर प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर की कोटिंग रहती थी। तो अब जानते हैं कि क्या हम ये प्योर गोल्ड खा सकते हैं या नहीं, और अगर वो खाते थे तो उससे कुछ फायदे थे या नुकसान थे। So, अभी भी आपने देखा होगा दुबई में जो अमीर लोग होते हैं वो चाय के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर कर या फिर आइसक्रीम के ऊपर गोल्ड की कवरिंग कर कर खाते हैं। So, अब ये हमारे लिए सेफ है या हार्मफुल है ये जानते हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा गोल्ड क्या होता है। गोल्ड एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, सबके पास होगा राइट। अब गोल्ड जो 24 कैरेट का होता है वो प्योरेस्ट गोल्ड होता है और सबसे सॉफ्टेस्ट गोल्ड होता है, बट इसके ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते हैं बिकॉज सॉफ्टेस्ट है राइट। इसके अंदर जिंक, कोबाल्ट या फिर सिल्वर या कॉपर जैसी इंप्यूरिटी मिलाई जाती है जिससे हार्ड होता है। 23 कैरेट से 14 कैरेट तक का आता है। 14 कैरेट में सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी रहती है और 23 कैरेट में सबसे कम इम्प्योरिटी रहती है। तो अगर हम इम्प्योरिटी वाला गोल्ड खाएंगे तो हमारे अंदर रिएक्टिव मेटल्स भी जा सकते हैं। गोल्ड अनरिएक्टिव होता है तो बॉडी के अंदर जाकर कुछ हार्म नहीं करता, ऐसे ही निकल जाता है। वेयर एज अगर आप कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स खा लेंगे तो बॉडी में हार्म हो सकता है। तो इसलिए अगर आप खाएंगे प्योर गोल्ड खाएंगे, 24 कैरेट गोल्ड खाएंगे।